ये है वन प्लस के नए बर्ड Z2 और ये है नथिंग ईयर वन। दोनों ही आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपए के आसपास देखने मिल जाते हैं। कभी कभी नथिंग महंगा भी मिलता है, कभी कभी नथिंग 4.5 में भी मिलता है। ब्लैक वाला मत लेना, वो 7,000 का मिलता है और वेस्ट ऑफ मनी है। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नो स्टेक। इस वीडियो में देखा जाए इन दोनों में से कौन से बर्ड आपको लेने चाहिए। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, मुझे ऐसा लगा वन प्लस की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, शाइनी है। बस ये मुझे लिखा हुआ फॉन्ट पसंद नहीं आया, बाकी भाई कुछ भी स्क्रैच नहीं है। एंड है भी तो उतने दिक्कत नहीं आते, इस पर तो भाई भर भर के स्क्रैच है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने स्किन लगाई है, अंदर भी मैंने स्किन लगाई है, क्योंकि इस पे इतने स्क्रैचेस आ रहे थे कि भाई अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऑफकोर्स ये यूनिक दिखते हैं, दिखने में बेटर है क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, बट चीप बिल्ड क्वालिटी ऐसा लगा मुझे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक पे स्क्रैचेस आ रहे थे। वन प्लस का केस थोड़ा सा ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है कंपेयर टू नथिंग। बाकी अगर लुक्स की बात करूं तो वो पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। ऑफकोर्स नथिंग बेटर दिखते हैं, बट वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। दोनों के ही बर्ड्स में आपको स्टेम डिजाइन दिखता है, बट नथिंग के जो बर्ड्स है यहाँ पे थोड़े से यूनिक मिलते हैं, आपको एक अच्छा ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलता है। उसी जगह वन प्लस की बात करूं तो ये पहले जैसे वन प्लस Z1 जैसे दिखते हैं, कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। कंफर्ट भी दोनों प्रोडक्ट का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कनेक्टिविटी में मुझे काफी डिफरेंस लगा, दोनों में ब्लूटूथ 5.2 है, बट नथिंग में काफी ज्यादा कनेक्शन ड्रॉप्स होते हैं। हर 2-3 दिन में एक आध बार मेरे साथ कनेक्शन ड्रॉप होता ही है, चलते चलते अचानक से कनेक्शन ड्रॉप होता है, उसके बाद फिर से खुद रिकनेक्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे वन प्लस में देखने बिल्कुल भी नहीं मिला। दोनों ही प्रोडक्ट में झटपट पेयरिंग है, गूगल फास्ट पेयरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। नथिंग की अगर मैं आईपी रेटिंग बात करूं तो बर्ड्स में IPX4 मिलता है, केस पे कोई रेटिंग नहीं मिलती है। वन प्लस में बर्ड्स IP55 रेटेड है एंड ये डब्बी IPX4 रेटेड है, इसलिए मुझे ऐसा लगा वाटर रेजिस्टेंट के साथ ये थोड़े बहुत डस्ट प्रूफ भी है। इन दोनों बर्ड्स का एक स्पेशल फीचर, जैसे ही कान में डाला अंदर से आ जाएगी सब्सक्राइब नॉइस टेक। भाई सब्सक्राइब करो और हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में हेल्प करो। अब बात कर लेते हैं धन छन छन। यहाँ पे वन प्लस की बात करूं तो आपको मिलते हैं 11 mm के ड्राइवर, नथिंग देता है 11.6 mm के ड्राइवर। बिगेस्ट डिफरेंस इन दीज टू बेस लेवल्स। वन प्लस का बेस एकदम रिच है, आपको बहुत अच्छा बेस मिलेगा, एकदम कान में थंप फील होके आता है। नथिंग का इतना ज्यादा बेस नहीं है, मैंने बेस को नथिंग में बढ़ाया, फिर भी मुझे ऐसा लगा वन प्लस इतना लेवल बेस नहीं था। यस नथिंग में आपको वोकल्स काफी क्लियर मिलते हैं, साउंड स्टेज अच्छा है, बट आपको एकदम बेस हैवी गाने पसंद है तो वहां शायद आपको कमी दिखेगी। OnePlus सपोर्ट करता है डॉल्बी आत्मा, सो डॉल्बी एटमॉस के कारण भाई आपको एक अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, साउंड क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपका गाना भी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करना चाहिए। साउंड क्वालिटी मुझे ऐसा लगा बेस के मामले में OnePlus सुपीरियर है, एंड अगर आपको वोकल्स थोड़े से अच्छे चाहिए देन आपको मैं बोलूंगा नथिंग लेना। बाकी इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हाई वॉल्यूम्स दोनों की अच्छी है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। दोनों का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 40 डेसिबल्स मिल जाता है। दोनों में दो लेवल्स है ANC के, एक एकदम हाई वाला और एक बीच वाला। दोनों का ANC काफी इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट सेम है, 40 dB के आसपास तक की वॉल्यूम को कैंसिल आउट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे नथिंग का ज्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू OnePlus। मुझे ऐसा लगा OnePlus में ट्रांसपेरेंसी मोड में बाहर की आवाजें कम आती है कंपेयर टू नथिंग। एक छोटा सा माइक टेस्ट भी बनाया है, आप सुन लो। फ्रेंड्स अभी मैं यूज कर रहा हूं OnePlus Buds Z2, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूं, मेरे पर फुल स्पीड में फैन भी शुरू है। ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं यूज कर रहा हूँ नथिंग ईयर वन, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पास फुल स्पीड में फैन भी शुरू है। ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। दोनों में ही भाई आपको डेडिकेटेड ऐप्स मिल जाते हैं, यहाँ नथिंग का खुद का ऐप है, यहाँ पे वन प्लस का हे मेलेडी ऐप है। अगर आपके पास एक वन प्लस फोन है तो आपको ऐप की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में से ही भाई टच कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो। अब भाई फाइनली बात करते हैं बैटरी लाइफ। इन बड से दोनों में ही मुझे ऑलमोस्ट विद ANC 4.5 घंटे के आसपास की बैटरी लाइफ मिली। केसेस में थोड़ा फर्क है, यहाँ पे मैं बात करूँ नथिंग में तो मुझे मिली 30 आवर्स के आसपास, वन प्लस में मुझे मिली 33 आवर्स के आसपास, 3-4 घंटे का ही फर्क है। तो आपको क्या लेना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है इंडियन म्यूजिक लिसनर्स के हिसाब से शायद आपको बेस ज्यादा पसंद है तो शायद वन प्लस ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको ज्यादा बेस नहीं पसंद है डेफिनेटली आपको नथिंग भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी है बट मुझे ऐसा लगा वन प्लस की थोड़ी सी बेटर हो जाती है, हाई वॉल्यूम्स भी थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है। 19-20 का फर्क है बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा वन प्लस एक बेटर प्रोडक्ट है। दोनों को बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में। गाइस आज की वीडियो को लेते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।